आज हम लोग देखने वाले हैं इग्नो 2019 का MTS 003 का क्वेश्चन नंबर 8, जो कि इसमें पूछा गया है कि फिनोमिना ऑफ रीजनलिज्म इन इंडिया क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पहले रीजनलिज्म होता क्या है। तो रीजनलिज्म का मतलब होता है कि अटैचमेंट या फिर लव कोई पार्टिकुलर रीजंस को लेके, उसको हम लोग रीजनलिज्म बोलते हैं, ना कि कंट्री को लेके। जैसे कि एग्जांपल के लिए समझाना चाह रहा है, जैसे कि अगर कोई बिहारी है तो उसका बिहार के प्रति अटैचमेंट, ठीक है, बिहारी का क्या है यहाँ पे, बिहार के प्रति अटैचमेंट। असामीज है, उसका असम के प्रति अटैचमेंट, तो वो पार्टिकुलर रीजनलिज्म हो गया। और किसी भी बिहारी का अगर उसे कंट्री के प्रति अटैचमेंट होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म बोलते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे कि अगर किसी भी बिहारी का अगर नेशंस के प्रति अटैचमेंट है तो ये क्या हो जाएगा, ये नेशनलिज्म हो जाएगा। ठीक, अगर बिहार के प्रति अटैचमेंट है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये सिर्फ रीजनलिज्म हो जाएगा। ये तो समझ में आएगा यहाँ पे कि रीजनलिज्म क्या होता है। अब बात आती है यहाँ पे कि जो फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म है ना, वो अभी के टाइम से ही नहीं आया, बल्कि एंशिएंट टाइम में आया था। यहाँ पे उस टाइम क्या था कि ये पार्टिकुलर एरिया मेरा है, पार्टिकुलर रीजन मेरा है, यहाँ के लोग मेरे हैं, हमको इसके डेवलपमेंट्स की काम करना है, ऐसा कुछ फीलिंग था रीजनलिज्म का एंशिएंट इंडिया में। और अभी के टाइम में क्या है कि ये पार्टिकुलर स्टेट्स मेरा है, हमको सेपरेट स्टेट चाहिए अपने लोगों के लिए। जैसे कि डिमांड हो रही थी खालिस्तान की, तो ये जो खालिस्तान की डिमांड थी ये क्या थे, ये थी रीजनलिज्म के फीलिंग को प्रमोट की जा रही थी, मतलब पार्टिकुलर रीजंस के प्रति वहाँ पे लव और डिवोशन दिखाया जा रहा था। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब बात आती है यहाँ पे कि क्या क्या ऐसा फैक्टर है जो कि रीजनलिज्म को प्रमोट करता है। तो बहुत सारा फैक्टर है जो कि रीजनलिज्म को प्रमोट करता है, जिसमें कि पहला फैक्टर है हमारा कल्चर और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। ठीक है, कि हमारा खुद का अपना कल्चर होता है, पार्टिकुलर रीजन में जो है पार्टिकुलर कल्चर्स होता है, पार्टिकुलर रीजन का अपना अपना लैंग्वेज होता है। ये जो कल्चर और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है ना, अलग अलग हर जगह पे है। पार्टिकुलर रीजन्स का अपना कल्चर है, पार्टिकुलर रीजन का अपना लैंग्वेज है, ये सब क्या क्रिएट करता है, एक बॉन्ड क्रिएट करता है यहाँ पे उस पार्टिकुलर रीजन तक ही। ठीक है, अगर कोई बाहर जाता है यहाँ पे तो वो तो लैंग्वेज वो नहीं बोलेगा ना, तो वहाँ का तो वो कल्चर नहीं होगा यहाँ पे ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो डाइवर्सिटी के कारण ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि जिस जो लोग जहाँ के कल्चर से बिलोंग करते हैं, जहाँ का है वहाँ पे, तो वहाँ से उन लोगों को ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है और बस वो लोग वहीं के बन के रह जाते हैं, बस वहीं के बारे में सोचते हैं, ना कि वो होल कंट्री के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो ये समझ में यहाँ पे मतलब क्या है कि हमारा कल्चर और लैंग्वेज के प्रति जो जुड़ाव है, ठीक है, ये क्या क्रिएट करता है यहाँ पे, रीजनलिज्म अप्रोच क्रिएट करता है यहाँ पे। ठीक है, हम लोग वहीं के लोगों को बस अपना मानने लगते हैं, ना कि पूरे देश के लोगों को। इस वजह में आ गया पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पे इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। क्या है यहाँ पे इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, बेसिकली क्या है यहाँ पे कि देखेंगे कि कोई जगह पे बहुत ज़्यादा अमीरी है और बहुत जगह कोई जगह पे बहुत ज़्यादा गरीबी है। अगर हम लोग स्टेट टू स्टेट ही देखेंगे तो जो इकोनॉमिक जो पैरामीटर्स है ना, वो हर एक स्टेट्स का डिफरेंट है। ठीक है, कुछ स्टेट्स बहुत ज़्यादा वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ अच्छी है, कुछ स्टेट्स का इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम है यहाँ पे। तो ये इकोनॉमिक डिस्पार्टीज भी क्या करता है, एक फीलिंग क्रिएट कर देता है यहाँ पे। जैसे कि जो अच्छे जहाँ पे जहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा अच्छा है, वो लोग बस वहीं तक के बारे में सोचेंगे, और जिनके पास कम है यहाँ पे, बेसिकली क्या होगा, उनमें हीन भावना आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या करता है यहाँ पे कि एक गैप क्रिएट कर देता है, जो कि रीजनलिज्म के फीलिंग को डेवलप कर देता है। अब तीसरा आता है यहाँ पे पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर कैसा है यहाँ पे, जैसे हमारे पॉलिटिकल पार्टीज है ना, वो क्या करते हैं ना कि कुछ कुछ ऐसे चीज़ लेके आते हैं जिससे कि क्या होता है कि सिर्फ उसी रीजंस के बारे में बात की जाती है, उसी रीजंस के डेवलपमेंट्स के बारे में बात की जाती है। जैसे कि पार्टिकुलर रीजंस को कुछ स्पेशल प्रिविलेज प्रोवाइड कर दिया गया। ठीक है, कुछ ऑटोनॉमी दे दिया गया। यहाँ पे क्या है कि जब उन लोगों को ऑटोनॉमी या फिर प्रिविलेज मिलने लगता है ना, तो वो उसी चीज़ को प्रमोट करेंगे, उस पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट करेंगे। और पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगा, वो पॉलिटिकल पार्टी पार्टिकुलर रीजंस के डेवलपमेंट्स के बारे में ही सोचेगा यहाँ पे। और जो पार्टिकुलर रीजंस का ही सिर्फ डेवलपमेंट होगा, और यहाँ पे लोग बस वहीं तक सीमित रह जाएंगे, यहाँ पे बस वही चीज़ को इन्जॉय करते रह जाएंगे यहाँ पे। जब उसके बाहर अगर नहीं निकलना चाहेंगे तो रीजनलिज्म का फीलिंग आएगा यहाँ पे, नेशनलिज्म का फीलिंग तो आएगा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। अब बात आते हैं यहाँ पे कि एडवांटेजेस क्या क्या है रीजनलिज्म का। तो पहला यहाँ पे है कि पार्टिकुलर कल्चर्स, पार्टिकुलर डाइवर्सिटी के कारण अगर हम लोग प्रमोट हो रहे हैं यहाँ पे, पार्टिकुलर लैंग्वेज के कारण, पार्टिकुलर कल्चर के कारण, तो उसे क्या होगा यहाँ पे, प्रमोट होगा हमारा कल्चर। ठीक है, प्रमोट होगा हमारा लैंग्वेज, हमारा रीजन्स का डेवलपमेंट्स होगा। तो ये हो गया यहाँ पे। अब बात आती है यहाँ पे
कि रीजनरेज का डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, इससे कभी कन्फ्लिक्ट होगा दो रीजन्स के बीच में, अलग अलग रहेगा, इकोनॉमिक डिस्पार्टीज भी रहेगा तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा, टेंशन जो है दो कम्युनिटीज़ के बीच में क्रिएट करेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर डिमांड्स होगा न्यू स्टेट्स का, जैसे कि एग्जाम्पल बताया गया था आपको कि खालिस्तान, ठीक है, तो खालिस्तान हो गया यहाँ पे। उसके बाद आता है यहाँ पर कंक्लूड हम लोग कैसे करेंगे इसको, तो कंक्लूड करेंगे हम लोग जैसे कि ओवरऑल हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो रीजनलिज्म का जो फीलिंग है ना, वो बेसिकली किस चीज़ का फीलिंग है, तो वो लव और अटैचमेंट्स का फीलिंग है पार्टिकुलर रीजंस को लेके, ठीक है, ना कि होल कंट्री को लेके। ये क्या क्रिएट करता है, कुछ एडवांटेजेस क्रिएट करता है, जैसे कि डेवलपमेंट्स ऑफ कल्चर हो गया यहाँ पे, ठीक है, और इससे कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन हो गया। मतलब हम लोग जो चीज़ पढ़े हैं बस उसी चीज़ को कंक्लूड कर दिए कि जो रीजनलिज्म का है क्या है यहाँ पे, तो फीलिंग या अटैचमेंट्स का, लव का पार्टिकुलर रीजन को लेके, ना कि कंट्री को लेके। ये हमारे लिए एडवांटेजेस भी है कि डेवलपमेंट करता है कल्चर्स का, दूसरी तरफ यहाँ पर डिसएडवांटेजेस भी, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन को क्रिएट करता है। सो दैट्स इट, इतना सफिशिएंट आंसर है।